देखिए, आज का जो मेरा स्टॉक रहेगा वो है वेदांता। मेरा मानना है कि अभी जो मेटल स्टॉक्स में रैली शुरू हुई है इसको काफी लंबा जाना है, क्योंकि एक मेटल ऐसा सेक्टर था जिसने कोई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस पिछले कुछ समय से नहीं दिया। बट अब चूंकि चाइना में हम देख रहे हैं कि फेरस मेटल के और साथ साथ नॉन फेरस मेटल के प्राइसेस में जो इजाफा हुआ है, उसके कारण से जो मेजर बेनिफिशियरी रहेगा वो वेदांता है, क्योंकि इसके पास में एल्यूमिनियम, निकल, जिंक, सिल्वर और पावर सारे पोर्टफोलियो है। तो अभी हमने लास्ट Q4 का अपडेट देखा, एल्यूमिनियम में उनका 4% आउटपुट अप था, जो एल्यूमिनियम रिफाइनिंग कैपेसिटी वो करीब 3.5 मिलियन टन पहुंच रहे हैं। और लास्ट टाइम जो उनका EBITDA आया था, इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑड्स वो ऑल टाइम हाई EBITDA आया था, और मेरा मानना है Q4 बहुत बेहतरीन इसका रहने वाला है। जरूर स्टॉक 52 की खाई पर पहुंच गया है, बट अपना जो ऑल टाइम हाई करीब 500 रुपए के आसपास है उससे अभी भी काफी नीचे है। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल मेटल क्षेत्र में अभी वैल्यू बाइंग है वेदांता, और करीब 400 रुपए का लक्ष्य इसका अगले 6 महीने में रहेगा।